आंधी हो या तूफान नहीं रुकेंगे हम, ये कहना है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के समर्थकों का। उनके पार्टी के द्वारा पूर्व जिलाध्यक्ष अब्दुल सलाम खां उर्फ मुन्ना खां के नेतृत्व में दरभंगा शहर में घूम घूम कर भूखे लोगों को भोजन कराया जा रहा है। यह दृश्य दरभंगा रेलवे स्टेशन का है। यहाँ लोगों को भोजन कराया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ भोजन ले रहे हैं। उनके कार्यकर्ता लोगों के बीच में भोजन बांट रहे हैं। लगातार लॉकडाउन में इनके द्वारा भूखे लोगों के बीच में भोजन कराया जा रहा है। विकट परिस्थिति में भी पप्पू यादव ने जो सेवा दल बनाया है, उनके कार्यकर्ता में इतनी जोश है कि इस यास चक्रवात के समय में भी लोगों के बीच में पहुंचकर ये भोजन दे रहे हैं और लोग आराम से भोजन ले रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि हम लोग भगवान से दुआ करते हैं, भगवान से मनाते हैं कि पप्पू यादव की जल्द से जल्द रिहा हो। वो हमारे गरीब के मसीहा हैं, दुख सुख में वो हमारे साथ देते हैं। दरभंगा दर्शन से मनोज झा। पप्पू जी यादव जी के द्वारा यहाँ कौन बंटवा रहा है खाना दरभंगा में? यहाँ पप्पू यादव। अच्छा, तो क्या आप क्या चाहते हैं? रिहा दिया जाए उनको। रिहा? हाँ, रिहा उनको। और गरीब आदमी सबको बहुत सेवा करते हैं, दया करते हैं। भगवान के द्वारा से उनको जल्दी सुधार किया जाए। मैंने आप के तरफ से मुन्ना खान यहाँ उनका जो है खाना जो स्टेशन पर वितरण दे रहा है, और ये वितरण बहुत अच्छी है। बहुत गरीब का पेट भरता है, सफाइयों कर्मी इसमें खाता है। लेकिन पप्पू यादव को जो है जल्दी से रिहा किया जाए। पप्पू यादव को जेल से कैसे निकालिएगा? जेल से निकालिएगा, कोर्ट से लड़िएगा। साथ हैं आप? हम लोग साथ हैं। की नाम है? रीना देवी। लगातार यहाँ पप्पू यादव सेवा दल जो आपकी टीम है वो कितने दिनों से कार्य कर रही है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी, जब से लॉकडाउन लग रहा है तब से उन्होंने सेवा दल बनाकर ये कह दिया है कि हर जिले में सेवा दल बना करके जो भी गरीब मजदूर जरूरतमंद है उनको भोजन और पानी मुहैया कराया जाए। उसी के तहत आज कंटिन्यू बारिश, इसके पहले ही बारिश हुई, आज देख लीजिए तूफान और बारिश के बावजूद आज हम लोगों ने और हमारी टीम ने, मैं अपनी टीम का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने इतनी बारिश में जाके सब्जी लाया, सारा काम किया और आके यहाँ ला के खाना बनवाया, और खाना बनवाने के बाद अभी जाकर उन लोगों ने बांटा स्टेशन पर। मैं अपनी टीम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि पप्पू यादव की रिहाई के लिए जनता को आगे आने की जरूरत है। क्योंकि पप्पू यादव इसी तरह जेल में अपहरण कर लिए गए, मतलब कि सरकारी तौर पर जिनको अपहरण कर लिया गया है, अगर इसी तरह रह गए तो गरीब जनता की आवाज़ कोई बोलने वाला नहीं होगा। मैं मुद्दबाना अपील करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं विनती जो करता हूँ आज जुड़ के कि आप लोग प्लीज़ पप्पू यादव के लिए सड़कों पर उतर के अपना विरोध कीजिए, ताकि जो 17 दिनों से जो लोग मर गए हैं, जिनका जो गैस की वजह से, दवा की वजह से और प्राइवेट नर्सिंग होम ने जिनको लूटा है, उसके खिलाफ माननीय पप्पू यादव जी आवाज़ उठा सकें, आवाज़ बंद कर सकें और गरीब जनता का मदद हो सके। सर कितने जगह पर सेवा दल अपना सेवा कर रही है? सर रेलवे स्टेशन और DMCH, ये दो जगह है जहां हमारा सेवा दल के जो सेवाधारी लोग हैं वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और उनको खाना पीना मुहैया कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल सलाम खान।